नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आ चुकी नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। दोस्तों, इस भर्ती की कुछ खास बातें जो कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना चाहता हूं, ताकि आप लोग बिना किसी डाउट के इस वीडियो को आखिरी तक देख पाएं। तो पहली नंबर और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग केवल कक्षा 8वीं पास हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए, क्योंकि इस वैकेंसी के अंदर जिन पोस्टों पर भर्तियां आई हैं उनके लिए केवल और केवल कक्षा 8वीं पास ही मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर कि अगर आप लोग SC ST या फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, PWD PWBD या फिर आप लोग EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आप लोग निशुल्क आवेदन कर पाएंगे, यानी कि आपका फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री होने वाला है। थर्ड नंबर ये कि ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन भी कर पाएंगे और मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। फोर्थ नंबर ये कि वेतन आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिलने वाला है। अगर यहाँ पे आप लोग चयन पाते हैं, सिलेक्शन पाते हैं, तो आपको 23,300 रुपये से लेकर 64,000 रुपये से भी अधिक का वेतन हर मंथ का दिया जाएगा। काफ़ी अच्छी वेतन है। आपको आवेदन कैसे करना होगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अगर आपकी उम्र कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 35 साल के बीच में है, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको उम्र में छूट भी दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर इन पॉइंट्स के हिसाब से आप लोग एलिजिबल हैं, तो आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आगे हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। अगर आप लोगों का दिल से सपना रहा है FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करके एक अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट जॉब पाने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। चलिए सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की जो डिटेल की इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों, आप लोग यहां पे देख पाएंगे भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। और यहां पे देखिए रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर 1/2021, और यहां पे आपको रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ वॉचमैन देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें कि आपका यहाँ पे प्रोजेक्टेड वैकेंसीज के अंदर कौन कौन सी जानकारी प्रोवाइड कराई गई है, तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे सबसे पहले पोस्ट नेम है, इसके बाद आपका पे स्केल है यानी कि वेतन कितना रहेगा, इसके बाद आपकी उम्र है कम से कम और अधिक से अधिक, साथ में आपकी SC ST OBC EWS और जनरल कैटेगरी है, साथ में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है और PWBD वालों की वैकेंसी है और ESM वालों की भी वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। तो आप लोग यहां पे देख पाएंगे पोस्ट नेम आपका वॉचमैन का रहेगा। वेतन की बात करें तो 23,300 से 64,000 रुपए तक का आपको हर मंथ का वेतन दिया जाएगा। कम से कम आपकी उम्र 18 साल और अधिक से अधिक 25 और 10 ईयर का आपको छूट मिलेगा, तो 35 साल तक की होनी चाहिए। SC कैटेगरी के अंदर 72, OBC के लिए 102, EWS के लिए 38, जनरल के लिए 168 और इस तरह से टोटल आपको 380 वैकेंसी का नोटिफिकेशन इस बार देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा भी दो अलग अलग नोटिफिकेशन और भी आ चुके हैं, उनके बारे में मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी, वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। ये तीसरी नंबर वैकेंसी है जो कि FCI की तरफ से जारी की गई है, इसको आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। इसके बाद अगर आप लोग यहां से नीचे आएंगे, टोटल आपको 27 यानी कि 27 पेजों का ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और अगर आप लोग MB में कैलकुलेट करेंगे तो 12 से 13 MB का ये नोटिफिकेशन होने वाला है। इसके बाद आप लोग यहां से और नीचे आइए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी जिनके अंदर आपका एजुकेशन भी बताया गया है कि अगर आप लोग केवल कक्षा 8वीं जिसको आप लोग मिडिल स्टैंडर्ड पास बोलते हैं पास हैं, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे, और अगर आप लोग एक्स हैं सिक्योरिटी गार्ड तो 5वीं पास हैं तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा मौका आ चुका है कम पढ़े लिखे लोगों के लिए। और आपका जो यहाँ पे चयन है, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे रिटन टेस्ट और PET यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के आधार पर होने वाला है। मैक्सिमम जो इनकेस इन डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं, तो मैक्सिमम जो एज है आवेदन करने की वो 50 साल तक की दी गई है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको 10 सालों का उम्र में छूट दिया जा रहा, तो आप लोग इसको भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और चेकआउट भी कर सकते हैं। इसके बाद और यहाँ से नीचे आ जाइए, नोट करके कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड कराई गई है।
और इसके बाद जितनी भी जानकारी है वैसे तो मैंने मेन मेन सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी है, बाकी जो बची हुई जानकारी है वो आपको नोटिफिकेशन के बाद वेबसाइट पे देखने को मिलेगी जहाँ पे आगे हम चलने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह दिया गया है पैटर्न ऑफ रिटर्न टेस्ट का, आप लोग इसको देखें। टोटल आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा जहाँ पे 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ से देखिए रनिंग वगैरह जो आपका पीईटी होना है, पीईटी के अंदर मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे जो रनिंग है वो दे दिया गया है, और यहाँ पे लॉन्ग जंप भी दे दिया गया है और साथ में हाई जंप भी दे दिया गया है। इन जंप्स को आपको कंप्लीट करना होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी है पीईटी के अंदर। और इसके बाद यहाँ से और नीचे आएंगे तो कौन कौन आवेदन कर सकता है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के नागरिक हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे और भी ऐसी ही बहुत सारी जानकारी दी गई है तो आप लोग इनको जरूर एक बार चेकआउट करिए आवेदन करने से पहले, क्योंकि अभी आपके पास 19 नवंबर तक का टाइम है आवेदन करने का, तो काफी लंबा समय है आपको आवेदन करने के लिए। अगर आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि 20/10/2021 यानी कि 20 अक्टूबर से लेकर 19/11/2021 यानी कि 19 नवंबर 2021 तक आप लोग आसानी से आवेदन कर पाएंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और भी कई सारी आपको आगे जानकारी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आ चुकी नई भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आवेदन करने की आखिरी डेट 19 नवंबर 2021 की होने वाली है। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, और अगर आप लोगों का मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कक्षा 5वीं या कक्षा 8वीं पास है तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। आपकी उम्र यहां पे कम से कम 18 और अधिक से अधिक 35 साल की होनी चाहिए। आवेदन आपको ऑनलाइन ही करने होंगे, कैसे करेंगे इसके बारे में आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। वेतन आपका स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर 23,300 रुपए का रहेगा, और फॉर्म फीस यहां पे SC ST या फिर अगर आप लोग AWS वगैरह के कैंडिडेट है PWBD तो आप लोग आवेदन बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। यहां तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वैकेंसी है 2021 के लिए। अप्लाई ऑनलाइन 380 वॉचमैन पोस्ट वैकेंसीज के लिए आपको आवेदन करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग linkworking.org की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको वैकेंसी डिटेल मिलेंगी जहाँ पे टोटल नंबर वैकेंसी 380 देखने को मिलेंगी। पोस्ट नेम की बात करें तो आपको वॉचमैन की वैकेंसी यहाँ पे मिलेंगी। आवेदन करने की इम्पोर्टेंट डेट आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे 20 अक्टूबर 2021 से लेकर 19 नवंबर 2021 तक आपको आवेदन करने होंगे, और आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 30 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट रोल के हिसाब से आपको 10 सालों का उम्र में छूट भी मिलने वाला है। एप्लीकेशन फीस यहां पे देखिए जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट का 250 रुपए लगेगा, और अगर आप लोग SC ST या फिर किसी और कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप लोग निशुल्क आवेदन भी कर पाएंगे। इसके बाद टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, आप लोग क्लिक पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा जो कि FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही होने वाला है। इसके बाद बात करें कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आप लोग यहां से नीचे आएंगे, नीचे आने पर आप लोग देख पाएंगे वेतन आपका कितना होना चाहिए। वेतन के लिए यहां पे आप लोग देखें 23,300 रुपए से लेकर 64,000 रुपए तक का वेतन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसे ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जहां पे अगर आप लोग केवल कक्षा 8वीं पास है तो आप लोग आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे, और 19 नवंबर 2021 तक आपको आवेदन जरूर से फिल कर देने हैं। इसके बाद है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं जो आपका चयन है वो रिटर्न टेस्ट के आधार पर होने वाला है। देन आपको मिलेगा इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन जहां पे आपको मिलेगा आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट करने का लिंक। आपको सिंपली अप्लाई ऑनलाइन की बटन पे क्लिक करके linkworking.org की वेबसाइट पे आ जाना है, बिकॉज यहां पे काफी अच्छे से डिटेल में अपडेट किया गया है। यहां पे आने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने पर आप लोग ये देखेंगे कि इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन है, और इस इम्पोर्टेंट लिंक के सेक्शन पे आपको अप्लाई के सामने क्लिक हेयर की एक बटन भी मिलेगी, आपको इस पे क्लिक करना है। डायरेक्ट ही आप लोग आवेदन करने वाले पेज पे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होगा, और इस बटन पे आपको क्लिक करके अप्लाई नाउ की बटन पे क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा।
यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, बेसिक डिटेल है, एड्रेस है और एकेडमिक डिटेल है। फर्स्ट नेम के अंदर फिल करेंगे, मिडिल नेम फिल करेंगे, लास्ट नेम फिल करेंगे और फाइनली यहाँ पे फुल नेम भी फिल करने का ऑप्शन है। फादर्स नेम इसको भी कंफर्म करना है और मदर्स नेम और इसको भी एक बार कंफर्म करना है। यहाँ से अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने पर आपको एक अपनी वैलिड फोटो आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, आधार है, वोटर है, ड्राइविंग है, पैन कार्ड है। इसके बाद आपको उसका नंबर यहाँ पे डाल देना है और इसके बाद एक ईमेल आईडी इसको भी कंफर्म करना है, एक मोबाइल नंबर और इसको भी कंफर्म करके सेव एंड नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर देना है। और अगला जो आपके सामने आएगा वो बेसिक डिटेल का होगा और इसके बाद एड्रेस और एकेडमिक डिटेल और आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। इसके बाद आप लोग आवेदन कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको आवेदन करने की एक वीडियो प्रोवाइड कराऊं तो इस वीडियो के लिए केवल 300 लाइक का टारगेट है, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें ताकि आपको आवेदन करने की एक पूरी की पूरी जो वीडियो है वो प्रोवाइड कराई जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।